तो ये तीनों गुण होते हैं, फिर भी हम इसे गुण कहते हैं, इसकी हम बात हो चुके और हम जो इन गुणों का स्वभाव है उसके बारे में बात करेंगे। स्वभाव पहला है सत्व गुण और फिर है रजोगुण, फिर है तमो गुण। तो सत्व गुण के लिए बोला है कि सत्व गुण लघु होता है, प्रकाशक और आनंद स्वरूप होता है, ज्ञान में विषय प्रकाशक प्रशाकत्व और इंद्रिय में विषय ग्राहिता आदि सत्व गुण के कारण है। मन बुद्धि तेज का प्रकाश, दर्पण की प्रतिबिंब शक्ति आदि इसके कार्य है। लघुता या हल्केपन के कारण अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठती है, यही हल्कापन किसी में तिरेगमन का कारण बनता है, जैसे वायु के तिरेगमन का। इसी प्रकार सभी प्रकार के आनंद जैसे हर्ष, संतोष, तृप्ति, उल्लास आदि सत्व गुण के कारण है। इसका वर्ण श्वेत होता है, बुद्धि प्रधान जीवों में पाया जाता है, यह अति सूक्ष्म है। सूक्ष्मता तो बात होगी क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही बड़ा सूक्ष्म होता है। और सत्व गुण हमें नॉर्मली हम समझे तो जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो सत्व गुण वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही आनंद प्राप्त करते हैं, संतोष रख सकते हैं, तृप्ति होती है और बुद्धि प्रधान तो होंगे, क्योंकि जिसमें बुद्धि इंटेलेक्चुअल पावर होगी वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और सत्य का ही साधन होगा उसका, और वो आगे बढ़ता रहेगा। और उसके बाद में आता है रजोगुण। रजोगुण से तात्पर्य समझो कि जो चुगली करते हैं, जो छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, लाइक धमकी देते रहते हैं, ऐसे लोग रजोगुण बुलाते हैं। और सत्व और तमस स्वयं प्रवृत्तिशील हों, सत्व और तम स्वयं प्रवृत्तिशील न होने के कारण अपने प्रकाशन एवं नियमन आदि कार्य के उत्पादन में असमर्थ होने पर रज के द्वारा उत्तेजित किए जाकर अपने कार्य में प्रवृत्त किए जाते हैं। अतः रज उपस्तंभक या तथा चल होता है। इस गुण के कारण ही हवा चलती है और इंद्रिय विषय की ओर दौड़ती है। शारीरिक क्लेश, मानसिक कष्ट तथा अन्य जितने दुख, आत्मक रागात्म भाव सभी इसी के कारण होते हैं। और इसमें क्योंकि सत्व गुण प्रधान होता है और सत्व गुण होगा तो ही रज और तम उसका काम करेगी, और रज अगर गुण नहीं होगा, ये समझो रज गुण नहीं होगा तो इंद्रिया काम नहीं करेगी। और इंद्रिया काम करने मतलब यह है कि आँख का देखना और नाक का सूंघना, कानों का सुनना, ऐसा ये इंद्रियों का अपने अपने कार्य विषय में प्रवृत्त होती है। अगर प्योर सत्व गुण होगा तो आदमी संन्यास की ओर जाएगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ देखना चला गया, क्योंकि वो अपने में ही रहेगा। तो वो जैसे हम समाधि में जाते हैं तो वह भी ये भावना आती है, लेकिन रजगुण होगा तभी व्यक्ति अपना काम करेगा। कहते हैं अहंकार नहीं आएगा तो आदमी काम भी नहीं करेगा, और अहंकार ही दो चीज़ें होती है, एक अहंकार अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अगर अहंकार नहीं आएगा तो आदमी सही या गलत का काम नहीं करेगा और अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होगा। और तमोगुण क्या होता है? गुरु होता है। हम तीसरे गुण बात करें तमोगुण। तमोगुण गुरु तथा अवरोधक होता है, यह सत्व गुण के विपरीत है। यह प्रकाश का आवरक तथा रजोगुण का अवरोधक होता है। इससे वस्तु की गति नियंत्रित होती है, जड़ता तथा निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। इसके कारण बुद्धि का तेज मंद पड़ता है। इससे मूर्खता या अंधकार की उत्पत्ति होती है। यह भौतिकता का उत्पादक है। मोह है, अज्ञान, अवसाद, उदासीनता आदि इसी की उपज है। तमोगुण के कारण थोड़ा सा और ये बोला मोह अज्ञानता, यानी तम हम अंधेरे को बोल सकते हैं कि जब आदमी के ज्ञान में अंधेरापन आ जाए या फिर उसमें कहीं उसका मोह बना हुआ है तो हम उसे तमोगुण बोलेंगे। और तमोगुण के कारण ही व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं होता और ऐसे व्यक्ति विनाश की ओर प्राप्त होते हैं। ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए सहयोगी है। ये तीनों गुण आपने सत्व, रज और तम तीनों गुणों के हमने उनके बारे में सुनना, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी होते हुए सहयोगी है। इनमें से कोई गुण न अकेले रहता है और न ही अन्य गुणों के सहयोग के बिना कार्य कर सकते हैं। यानी कि तीनों का बैलेंस होता है तभी ये प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति में तीनों गुण होंगे तभी वो काम करेगा, केवल एक गुण उसमें काम नहीं कर सकते। यानी कि ये त्रिस्तंभ की तरह हो गया, जैसे एक घड़ा तीन पाद वाली त्रिपाई पर रखा जाता है तभी वो एक रखा जाता है, उसी प्रकार उस घड़े की तीन पाई यानी उसी प्रकृति के तीन पाई है और जो उसको नियंत्रित किए हुए हैं। ईश्वर कृष्ण ने गुणों की उपमा प्रदीप से करते हुए उनके आपसी संबंध का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे अग्नि बत्ती और तेल का विरोधी है। जैसे अग्नि बत्ती तेल के दीपक जलाते हैं तो इसमें इसका आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। जैसे दीपक में अग्नि होती है और बत्ती होती है, गुण होते हैं।
और तेल भी होता है, फिर भी उसके साथ मिलकर बत्ती और तेल वस्तु के रूप में आकार प्रकाशित कर कार्य करते हैं अथवा वात भी तौर कब शरीर को धारण करने कार्य करते हैं। सूर्य का सत्व रज और तम परस्पर विरोधी होने पर भी परस्पर मिलकर ही कार्य करते हैं। यानी कि हमें दीपक जलाना है तो हमें दीपक भी चाहिए, मिट्टी का दिया भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए और तेल भी चाहिए। यानी सत्व रज तम को इस तरह हम समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, महाभारत से लिया गया है। ये तीनों गुण सत्व रजतम, सत्व को हम प्रीति बोलते हैं, रज को हम अप्रीति बोलते हैं और तम को हम विषाद कहते हैं। यानी कि कहें कि सत्व हमें सुख देता है, रज हमें दुख देता है और तम हमें मोह देता है। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के धर्म से अभिभूत होने वाले होते हैं। सत्व रज एवं तम को अभिभूत करके ही अपनी शांति वृत्ति को प्राप्त होता है। रज सत्व और तम का अभिभूत करके अपनी घोर या दुखात्मक वृत्ति को प्राप्त होता है। तम सत्व और रज को अभिभूत करके अपने मोह विषाद वृत्ति को प्राप्त करता है। ये गुण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर आश्रय का आधार रूप मुख्य अर्थ में होकर एक दूसरे के कार्य में सहकारित रूप गौण अर्थ के द्वारा प्रकृति में आश्रित रहते हैं। एक दूसरे में नहीं ये अर्थ लेना चाहिए। ये गुण आपस में एक दूसरे के कार्य में किस प्रकार सहायक होते हैं इसका एक सुंदर उदाहरण माठर वृत्ति में मिलता है। जिस प्रकार तिरछे खड़े किए गए तीन दंडों या खंभों पर आश्रित घर किसी एक पर नहीं आश्रित रह सकता और घर को अपने ऊपर संभालने के लिए कार्य में तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार तीनों गुण भी अपने कार्य में अन्य दोनों की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। और तीनों गुण एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाले हैं, अर्थात तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेक्षा रखते हुए परिणाम को उत्पन्न करता है। ये परस्पर युग्म भाव से रहते हैं और अर्थात एक दूसरे के सहचर्य एक दूसरे के भाव में नए रहने वाले होते हैं। गुणों के स्वरूप एवं विरूप का परिणाम, इनका क्या परिणाम होता है? सत्व आदि गुणों के दो प्रकार पर स्वरूप और विरूप, प्रलय की अवस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खींचकर स्वयं अपने में परिणित हो जाता है। यानी कि प्रलय में प्रलय जब आएगी तभी अपने गुण अपने अपने जगह चले जाएंगे। प्रत्येक अलग अलग रहने का इस अवस्था में गुण कोई कार्य नहीं करता। सृष्टि के पूर्व ही साम्यवस्था रहती है, सृष्टि के पूर्व होने पर ये और साम्यवस्था के गुण अस्फुटित रूप से ऐसे अव्यक्त पिंड के रूप में पड़े थे जिसमें नए कोई रूपांतर, नए कोई विषय, नए कोई शब्द, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध आदि धर्म, इसी को साम्यवस्था कहते हैं। और जब प्रकृति और पुरुष का परस्पर सहयोग होता है तो इन त्रिविध गुणों की साम्यवस्था में क्षोभ उत्पन्न होती है, इसी को क्षुण गुण क्षोभ कहते हैं। पुनः प्रकृति में विषण आंदोलन उत्पन्न होता है, फिर इन्हीं गुणों के न्यून आदि के अनुपात से नानाविध सांसारिक विषय की उत्पत्ति होती है। यही गुणों का स्वरूप परिणाम गुणों की परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। साम्यवस्था में गुणों का स्वरूप होने पर विषम अवस्था में विरूप परिणाम वाला कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे एक ही जल अनेक भूविकारों प्राप्त कर अनेक प्रकार का हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक गुण प्रलय काल में एक विध होने पर भी सृष्टि काल में अंग अंगी भाव को प्राप्त होने से विविध परिणाम उत्पन्न करता है। गुणों का उद्देश्य क्या है? सत्वादि गुण पुरुष के भोग एवं मोक्ष के लिए कारण ही गुण कहलाते हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के भोग उन्मुख होने पर उनके भोग एवं भोग के पश्चात तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष इन उभयविध प्रयोजनों की सिद्धि के लिए गुणों में शोभ उत्पन्न करता है, जिससे न्यून आदि के या गुण प्रदान भाव उत्पन्न होता है और उससे विविध परिणामों की सृष्टि होने लगती है। इसी प्रकार दोस्तों सत्व रज और तम ये प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के गुण हैं और तीनों जब एक साथ होते हैं तभी साम्यवस्था रहती है और आगे जाके उत्पन्न करते हैं और इनकी साम्यवस्था ही गुणों को उत्पन्न करती है। ये खुद अव्यक्त में है तो ये अव्यक्त के अंतर्गत ही आते हैं। ये अव्यक्त यानी कि प्रकृति के गुण हैं और इसी के कारण ही ये उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आज अव्यक्त में हमने तीनों गुणों के बारे में चर्चा की और आगे हम उस अगले गुण की ओर चर्चा करेंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ डॉक्टर मनीष कुमार सोनी, यूट्यूब चैनल अंकुर मनिया। थैंक यू।